स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल RR साइंस हब। यहाँ पर हम लोग इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं जेट प्लस नीट की। बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने देखे। कल हमने आपको जो वीडियो दिया था वो था एनिलिडा फाइलम के जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। आज हम लोग एनिलिडा फाइलम के एक जंतु के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही वेल नोन है, मीन्स बहुत ज्यादा जाना जाता है, जिसे हम लोग किसान का मित्र भी बोलते हैं। तो आज हमें पढ़ना है केचुए के बारे में। केचुए के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आज हमें पढ़नी है या इसके बाहरी लक्षण पढ़ने हैं कि ये बाहर से देखने में कैसा होता है और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केचुए की बाह्य आकारिकी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ वॉर्म। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अर्थ वॉर्म या केचुए को पढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि इसको हमने लिया कहाँ से है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो फाइलम है वो एनिलिडा फाइलम है, और कल हमने आपको बताया था कि एनिलिडा फाइलम के जो भी एनिमल होते हैं उसमें छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि कोई बॉडी जो है उनकी वो सेगमेंटेड होती है। तो अर्थ वॉर्म है उसकी भी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है। तो आइए देखते हैं इसका फाइलम। फाइलम इसका जो है संघ एनिलिडा है, क्लास जो है ओलिगोकीटा है, कल तीनों क्लास के बारे में हमने पढ़ा था, और इसका गण जो ऑर्डर है वो हेप्लोडॉक्सिडा है, इसका जीनस जो है वो पैरिडिमा है, और साइंटिफिक नेम है पैरिडिमा पोस्टुमा। देखिए, पैरिडिमा पोस्टुमा जो है वो एक भारतीय स्पीसीज है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक ज्ञात लगभग पैरिडिमा की लगभग 300 जातियों में से ज्ञात 13 भारतीय जातियां हमें ज्ञात हैं। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो पैरिडिमा पोस्टुमा है और दूसरा है पैरिडिमा लुम्ब्रिकोइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तो आज हम लोग भारतीय केचुआ या पैरिडिमा पोस्टुमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जनरल नॉलेज में आपको बता देते हैं कि पैरिडिमा पोस्टुमा के बारे में सबसे पहले डीप स्टडी की थी डॉक्टर के एन बहल ने। याद रखिएगा, डॉक्टर के एन बहल, ये यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने जो है एक पूरी हिस्ट्री केचुए के ऊपर तैयार की थी, और इन्होंने 1926 ईस्वी में अपनी एक शोध पुस्तक प्रस्तुत की थी जिसका नाम था मिमोर। इसमें इन्होंने केचुए के बारे में पूरी डीप नॉलेज को अच्छे से डिफाइन किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और साइंटिफिक नेम, और इसकी डीप स्टडी जो है पैरिडिमा पोस्टुमा की वो डॉक्टर के एन बहल ने दी थी, और अपना एक शोध पुस्तक प्रस्तुत किया था जिसका नाम था मिमोर। शीत रुधिर है, रात्रिचर है तथा बिलकारी है। रात्रिचर का मतलब यह है कि ये भोजन तथा जनन के लिए अपने बिल से रात्रि में निकलते हैं। ओके, इसीलिए इनको हम लोग रात्रिचर या नॉक्टर्नल कहते हैं। बिलकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है मिट्टी में 70 से 75 सेंटीमीटर की गहराई में इस टाइप के बोरो या बिल बनाकर रहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं बिलकारी। तो याद रखिएगा, ये सूत्रधर, रात्रिचर तथा बिलकारी जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर दो, इनकी लंबाई लगभग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो अगर एक वयस्क अर्थवर्म या केचुआ है तो उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है तथा व्यास 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक होता है। 0.3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है, मीन्स इसकी ये वाली जो लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है और ये जो इसका व्यास है या मोटाई है वो 0.3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसका जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड होता है, मीन्स 100 से 120 खंडों का
बना होता है। शरीर जो है वो 100 से 120 खंडों का बना होता है। चार नंबर, इसका रंग जो होता है वो रेडिश ब्राउन मींस भूरे रंग का होता है। ये जो है भूरे रंग का होता है और बरसात के मौसम में हमें रेंगते हुए बहुत सारे दिखाई दे जाते हैं। भूरे रंग का होता है, रेडिश ब्राउन क्यों होता है, भूरा रंग क्यों होता है, पोरफायरीन नामक वर्णक के कारण केचुए का जो रंग होता है वो भूरा होता है। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसका जो रंग होता है वो पृष्ठ तथा अधर दोनों में भिन्न भिन्न होता है। पृष्ठ पर इसका जो रंग होता है वो गहरा होता है और अधर पर जो रंग होता है इसका वो हल्का होता है। केचुए का रंग रेडिश ब्राउन जो होता है वो उसके त्वचा पर उपस्थित एक वर्णक होता है जिसका नाम है पोरफायरीन, जिसके कारण रंग उसका भूरा होता है। पृष्ठ का जो रंग है वो गहरा होता है जबकि अधर का रंग जो होता है वो हल्का होता है। मीन्स ऊपर का जो रंग होगा वो गहरा होगा और जो नीचे की साइड होगी उसका जो रंग होता है वो हल्का होता है। उसके बाद में आगे देखिएगा, ये पोरफायरीन वर्णक जो है तीव्र प्रकाश से त्वचा की रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, तीव्र प्रकाश से त्वचा की रक्षा करता है। आगे देखिए, अब यहां पर हमने वो डायग्राम ड्रॉ किया है, उस डायग्राम में देखिए हमने यहां पर लिखा है पृष्ठ दृश्य, यहां पर अधर दृश्य लिखा है। मीन्स हम लोग केचुए को पृष्ठ और अधर कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने भी आप लोगों को ये बताया था कि जो पृष्ठ का दृश्य है वो अगर हम लोग केचुए को देखेंगे तो जो उसका भाग ज्यादा डार्क ब्राउन दिखाई देगा वो उसका हो गया पृष्ठ भाग, जो हल्का होगा वो उसका हो गया अधर भाग। दूसरी चीज ये है कि पृष्ठ भाग पर एक गहरी धारी दिखाई देगी। ये जो धारी है डायग्राम में आप देख सकते हो, ये गहरी धारी दिखाई देती है। ये धारी जो है वो रक्त वाहिनी होती है जो ऊपर से इसकी जो पारदर्शी त्वचा है उससे ये दिखाई देती है। जबकि हम लोग अधर दृश्य में देखते हैं तो अधर दृश्य में क्या होता है, जनन छिद्रों और जनन अंकुरों के द्वारा हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। जनन छिद्रों तथा जनन अंकुरों के द्वारा इसको फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से अगर अधर भाग हम लोग देखेंगे उसको तो उसमें इस तरह से जनन छिद्र पाए जाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कौन सा जनन छिद्र किस सेगमेंट या खंड पे होता है। जबकि हम लोग अगर जो पृष्ठ दृश्य देखेंगे तो उसमें इस प्रकार की कोई भी संरचना नहीं दिखाई देगी, सिर्फ उसका रंग जो है वो गहरा होगा और एक पृष्ठ धारी जो है वो दिखाई देगी। ये धारी जो है वो रक्त वाहिनी की होती है। जबकि अधर दृश्य में अगर हम लोग केचुए को देखते हैं तो उसमें जनन छिद्र और जननांकुर पाए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये पृष्ठ और अधर दृश्य है। देखिए उसके बाद में पॉइंट देखिए, केचुए का जो शरीर होता है उसके शरीर पर प्रथम अंतिम तथा क्लाइटेलम को छोड़कर, प्रथम खंड का मतलब यह है कि ये वाला नंबर वन, इसको अंतिम खंड, इसको प्लस ये वाला भाग जो 13वां 14वां 15वां और 16वां खंड है, इसको छोड़कर पूरे भाग पर काइटिन से बनी हुई एस आकार के रचनाएं पंक्ति के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, जिनका रंग पीला होता है। इन्हें हम लोग सीटी बोलते हैं। ये सीटी जो है वो गमन में सहायता करते हैं। याद रखिएगा, केचुए में प्रथम अंतिम तथा क्लाइटेलम क्षेत्र को छोड़कर समस्त शरीर पर 80 से लेकर 120 तक एस के आकार के काइटिन से बनी हुई पीले रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उनके खंडों में एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें हम लोग सीटी बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में ये आप सीटी देख सकते हैं, ये सीटी जो है वो पंक्ति रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब बात ये आती है कि जो सीटी होती है उसकी रचना किस प्रकार से होती है और वो कहां पर होती है। तो सीटी जो होती है उसका आधा भाग जो है वो त्वचा के अंदर धसा हुआ रहता है और आधा भाग जो शीर्ष भाग होता है वो त्वचा के बाहर रहता है। इसका मुख्य कार्य जब केचुआ रेंगता है तो रेंगने में ये सीटियां जो है वो हेल्प करती हैं। देखिए जो डायग्राम में आपको क्लियर है, यहाँ पर ये हमने एक सीटी का डायग्राम बनाया हुआ। उस डायग्राम में देखिए सबसे पहले जो केचुए की त्वचा की लेयर होती है जिसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं,
उसके बाद एपिडर्मिस होती है, उसके बाद बर्तुल पेशियां होती हैं। उसके अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एस के आकार का सीटी है। तो ये सीटी ऊपर निकला हुआ सीट्स भाग है, ये नीचे धसा हुआ भाग है, बीच में खुला हुआ भाग होता है जिसे हम लोग सीटी नोड्यूल्स बोलते हैं। ऊपर वाली जो स्तर होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, उसके नीचे एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे पेशियां होती है जिन्हें हम लोग वर्तुल पेशियां बोलते हैं। उसके बाद सीटी जो है वो एस के आकार के एक क्वार्टर में फिक्स रहती है, उस क्वार्टर को हम लोग बोलते हैं सीटल कक्ष। सीटल कक्ष जो होता है वो वर्तुल पेशियों से अनुदैर्ध्य पेशियों का द्वारा जुड़ता रहता है, जिससे ये जो है गमन के समय गति प्रदान करती है। जब ये सीटी जो है पुरानी हो जाती है या कार्य करते करते घिस जाती है तो यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वो नई सीटी का निर्माण कर देती हैं, यहाँ पर दूसरी सीटी बन जाती है। तो ये तो बात हो गई सीटी की। कितने छिद्र पाए जाते हैं, वो छिद्र किस प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है, तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मुख की। देखिए जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इसके जो है सिर स्पष्ट नहीं होता है, मुख इसमें जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाया जाता है, मुख द्वार पाया जाता है। मुख द्वार जो है वो एक अर्धचंद्राकार संरचना के द्वारा ढका रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं पुरोमुख या प्रोस्टोमियम। इसका जो भी मुख द्वार है वो पहले खंड पर स्थित होता है, उस पहले खंड को परितुंड या पेरिस्टोमियम कहते हैं। याद रखिएगा इसका जो मुख द्वार होता है वो एक अर्धचंद्राकार संरचना के द्वारा या अर्धचंद्राकार मांसल संरचना के द्वारा ये घिरा होता है। इस अर्धचंद्राकार मांसल संरचना को हम लोग पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। ये मुख द्वार या पुरोमुख जो होता है वो प्रथम खंड पर स्थित होता है, इस प्रथम खंड को परितुंड या पेरिस्टोमियम कहते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे क्या होता है परितुंड या पेरिस्टोमियम के बाद में। इसका प्रथम खंड तो हो गया परितुंड, इसका अंतिम जो खंड होता है उसे हम लोग पाइजीडियम कहते हैं। देखिए जरा प्रथम खंड यह है तो ये हो गया आपका प्रथम खंड हो गया आपका परितुंड, और अंतिम खंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइजीडियम। याद रखिएगा केचुए का जो प्रथम खंड होता है उसको परितुंड बोलते हैं, जो अंतिम खंड होता है उसको हम लोग पाइजीडियम बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं इसमें 14वें 15वें और 16वें खंड में। देखिए जो 14वां 15वां और 16वां खंड है वो आपस में मिल जाते हैं और मिलकर जो है एक ग्रंथिल पट्टी नुमा संरचना बना लेते हैं। इस ग्रंथिल पट्टी नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटेलम। अब बात ये आती है कि जो क्लाइटेलम है इसके ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्लाइटेलम के नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जो केचुआ होता है उस केचुआ में जहां से क्लाइटेलम स्टार्ट होता है उससे ऊपर का जो अग्र भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व क्लाइटेलर क्षेत्र। क्लाइटेलम के नीचे का जो केचुए का पूरा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्य क्लाइटेलर क्षेत्र। ओके क्लियर है। तो क्लाइटेलम क्या है, 14वें 15वें 16वें खंड जो है मिलकर एक ग्रंथिल पट्टी नुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम के ऊपर के जो केचुए का भाग होता है मींस आगे का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व क्लाइटेलर, और जो पीछे का भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पक्ष क्लाइटेलर। ओके अब देखिए आगे जो ये क्लाइटेलम है इसका क्या काम है। देखिए क्लाइटेलम जो है प्रवसन का जब टाइम होता है उस समय क्लाइटेलम के अंदर कोकुन का निर्माण होता है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लाइटेलम के अंदर कोकुन का निर्माण होता है और कोकुन में ही अंडे दिए जाते हैं और उन अंडों से केचुओं का जन्म होता है। कोकुन क्या है, देखिए कोकुन जो है क्लाइटेलम के द्वारा स्रावित एक पदार्थ से बनता हुआ शंक्वाकार स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं कोकुन। प्रवसन के समय जो अंडे हैं वो कोकुन में ही दिए जाते हैं। तो कोकुन का निर्माण कहाँ होता है, क्लाइटेलम क्षेत्र में। ठीक
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए मुख के बाद फिर आता है गुदा छिद्र। केचुए के अंतिम खंड में गुदा छोर पर एक दरार नुमा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुदा छिद्र। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रस्थ छिद्र। 12वें-13वें खंड के बीच में जो खांचे होती हैं, यहां से जैसे ये 12वां खंड है, ये 13वां खंड है, इसके बीच में जो खांच है, यहां से लेकर अंतिम का एक खंड छोड़कर हर खांच में प्रस्थ पर एक एक छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों को हम लोग प्रस्थ छिद्र बोलते हैं। इन प्रस्थ छिद्रों से दूधीय रंग का देह गुही द्रव्य जो है वो बाहर निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट है वृक्कक या उत्सर्जक छिद्र। देखिए आपको पता है कि एनलिडा संघ में उत्सर्जन के लिए वृक्कक या नेफ्रिडिया होते हैं। वो नेफ्रिडिया जो है इसके शरीर पर बाहर निकलते हैं उनके छिद्र, और जिनसे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो 7वें खंड से लेकर, मीन्स ऊपर के 6 खंडों को छोड़कर 7वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक जो है लगभग अध्यावरणीय त्वचा के ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम लोग वृक्कक या उत्सर्जक छिद्र कहते हैं, और ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। उसके बाद में शुक्रग्राहिका या स्पर्मेटिकल छिद्र। ये छिद्र जो है 5वें-6वें, 6वें-7वें, 7वें-8वें तथा 8वें-9वें खंडों में एक एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। ये देखिए कि मादा जनन क्षेत्र और नर जनन क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, देखिए इसमें जो है 14वें खंड में एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। उसके बाद में 18वें खंड में एक जोड़ी जो है वो नर जनन छिद्र पाया जाए। तो ये तो हो गया मादा जनन क्षेत्र, ये हो गया नटन क्षेत्र। अब देखिए यहां पर ये दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं जनन अंकुरक। तो एक जोड़ी जो है 17वें खंड में और एक जोड़ी जो है 19वें खंड में जनन अंकुरक पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई केचुए की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, या हम लोग बोल लेते हैं इसके बाह्य लक्षण। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो जो है हमारे वीडियो में कमेंट करके इस चीज को क्लियर कर सकता है। और इसके बाद में हम लोग अब इसकी बॉडी कैविटी, देह गुहा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग इस पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक वाइज समझते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। Thank to all for watching my video.